आज वसुदेव जो है गुआ पर पहुंचे हैं। अब इधर परात को लेकर के आगे बढ़े तो सभी सखियां जो हैं मंगल गीत गा रही हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में वहां से विदा किया। अब जब महाराज विदा किया है तो बारात को लेकर के इधर मथुरा नगरिया में पहुंचे हैं। भोजराज कंस ने सभी बारातियों का बड़ा सम्मान किया और जब सभी बारातियों का बड़ा सम्मान किया है, सवेरा जब हुआ तो महाराज देवकी को सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रही है। तो देवकी जो है कहने लगी है कि भैया अब जो है आप हमारा विवाह कर दिया, अब हम ससुराल के लिए जा रहे हैं। तो आज गले में गलवैया डाल करके देवकी रोने लगी है कि भैया काए भी आई गई विदेश ओ भैया, बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज जब इधर विदा किया है तो सभी सखियां जो है रोने लगी हैं। महाराज ये रोना जो है बहुत दिनों से चला रहा है, खैर काफी बहने ऐसे ही होती हैं कि जिन्हें रोना नहीं आता है, लेकिन अगर वे न रोए तो दूसरी चैन नहीं लेन देती है। देखो कितनी खुशी बैठी गाड़ी में चली गई बिन्ने को आंसू नहीं डारो है, न रोए वो जानती हो तो जबरदस्ती रो, लेकिन रो जरूर। अब इधर देवकी को जब विदा किया है तो देवकी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सभी सखियां बड़े हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रही है कि बहन तुम ससुराल में जा रही हो तो अरे जा मेरी बेटी तू रहे सुखारी, जा मेरी आज धरो
बड़े हर्षोल्लास के साथ में विदा किया। देवकी जब चली है तो कंस कहने लगा, बहन तुम कहाँ जाओगी? अरे चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं।